अब वो टाइम जा चुका है जब हमें लगता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, जो बैंक कम ले रहा है उससे हम लोन ले लेंगे और हमें सस्ता लोन मिल जाएगा हमारी गाड़ी के लिए। बैंक हमसे ज्यादा समझदार हो गए हैं, ऐसा भी हो जाएगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें कम देंगे, कम दिखाएंगे और पैसे भी हमसे ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि बैंक हमसे एक कदम आगे चलते हैं। हमें तो लोन कभी कभार लेना होता है, वो तो डेली के हजारों लोन बांटते हैं। तो आज हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जहां हमें ध्यान रखना चाहिए लोन लेते टाइम, अपनी कार लोन लेते टाइम कहां हम गलती कर देते हैं, दूसरा कहां पर वो हमें बेवकूफ भी बना देते हैं जहां हमारी जेब से पैसा ज्यादा निकल जाता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम लोन पर गाड़ी लेते हैं। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, हमें लगता है कि जो बैंक ने बोल दिया वो फिक्स है, लेकिन आप उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपको आपके ऑनलाइन बैंकिंग में ऑफर आया हुआ है, वहां पर बहुत ही मुश्किल है, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, वो एक किस्म से फिक्स होता है। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहां पर भी लगभग आपको 90% फिक्स ही मिलेगा, वहां भी कम होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर कोई बैंक का एजेंट आपको कॉन्टेक्ट करता है तो वहां पर आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, कुछ ना कुछ आप कम करा सकते हैं। और अगर आप जाते हैं शोरूम में जहां से आप गाड़ी ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपको जो है लोन भी करा कर दे देंगे, कौन से बैंक से आपको चाहिए? आप बोलोगे मेरा तो उसमें सैलरी आती है या मुझे तो उस बैंक से ऑफर मिल रहा है, वहां से मेरे को लोन मिल जाएगा। ठीक है, वो बोल देंगे हम आपको उसी से दिला देंगे, उसी ब्रांच से दिला देंगे, क्योंकि वहां पर कमीशन होता है शोरूम का। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं, आप उनके थ्रू कमीशन मतलब लोन ले रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे इसमें कुछ परसेंटेज कम करके दो, 2%, 2.5% तक का भी कमीशन उनका हो सकता है, तो आप उसमें से कुछ मांग सकते हैं। बेटर तो रहेगा आप डायरेक्ट बैंक से कॉन्टेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप वहीं पर उनसे बात कर रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे को इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दीजिए इंटरेस्ट रेट में। दूसरा पॉइंट है, प्राइवेट फाइनेंसर के जो लोन होते हैं वो महंगे होते हैं, बैंक के लोन सस्ते होते हैं, और सबसे सस्ते होंगे हमारे जो सरकारी बैंक है या पब्लिक हम बैंक बोल देते हैं उनके। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको बैंक से लोन मिल रहा है तो आप बैंक से लें। किसी रीजन की वजह से अगर आपको बैंक की वजह से बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, आपको प्राइवेट के पास जाना ही पड़ रहा है, बड़े प्लेयर्स हैं, तो वहां पर आप डिस्काउंट जरूर मांगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जरूर कम कराएंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जब हमें लोन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमें रेंडमली या बैंक वाला ही बंदा है, कोई भी हमें बोल देता है आप 3-4 फाइल ना अपनी बना लीजिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उस बैंक में भी अप्लाई कर दो, उसमें भी कर दो, उसमें भी कर दो, कहीं ना कहीं से आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती है, अगर आपको लोन मिलने में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो इसके बाद आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लेते हैं आपने एक बैंक में फाइल अपनी जमा करा दी, दूसरे में भी करा दी, तीसरे में भी करा दी, इस बैंक ने प्रोसेसिंग थोड़ी जल्दी कर दी है, किसी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, वो अपडेट हो जाएगा आपके सिबिल में। जैसे ही दूसरा बैंक आपका सिबिल खोलेगा, उसको दिखेगा इस बैंक ने आपका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं देखेंगे, वहां से भी रिजेक्ट जाएगा। दो बार रिजेक्ट हो गया सिबिल में, दो बार रिजेक्शन चला गया, सिबिल स्कोर वैसे ही कम हो गया, और जिस भी बैंक के पास अब फाइल जा रही है ना, तो वहां पर तो आपका मतलब माइनस में होता ही चला जाएगा और आपको बैंक से लोन मिलेगा ही नहीं। शोरूम गाइज ये ज्यादा करते हैं, शोरूम में जितने बंदे होते हैं ना, प्राइवेट फाइनेंसर के पास आपको लेकर जाने के लिए आपको बोल देंगे आप 3 बैंक में 4 बैंक में फाइल लगा दीजिए, आपका एक जगह से मना हो गया और खत्म। और एक जगह से अगर मना नहीं भी होता है ना, अगर आपने 3-4 बैंक में फाइल लगा दी है तब भी मना होने के चांस हो जाएंगे। हो सकता है आपने एक बैंक में फाइल लगाई है, वहां से आपका लोन हो जाए, 3-4 में लगाने के बाद ना हो, क्योंकि बैंक्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है, सिबिल में इंफॉर्मेशन जाती है, ये बंदा डेस्परेट है लोन लेने के लिए, इतने बैंक्स में क्यों ये फाइल लगा रहा है, किसी एक बैंक, कोई एक बैंक इसको लोन नहीं दे रहा है क्या, शक की सुई जाती है और हार थक कर फिर आपको प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाना पड़ता है, जो आपको शोरूम ने बताया है, वहां से उनका कमीशन हो जाता है। तो एक ही बैंक में फाइल लगाना, ज्यादा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपका लोन अप्रूव हो चुका है, अब आप गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं। अब कुछ और चीजें हैं जहां आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, जहां हम ध्यान नहीं देते हैं। आपको बोला जाएगा बैंक की तरफ से, एजेंट की तरफ से, कि इस लोन का आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी है, जरूरी शब्द बोला जाएगा, क्योंकि बैंक चाहता है कि इस जो ये लोन है ना, इसकी गारंटी बनी रहे, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक का लोन तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम बदले में आपको कोई प्रॉपर्टी तो ले नहीं रहे हैं, तो हमारी गारंटी क्या रहेगी। इस वजह से आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है, 8-10 हज़ार रुपये का आपको इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, वो जरूरी कभी भी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है।
रही बैंक की गारंटी की बात, तो आपकी आरसी पर लिखा आता है कि ये गाड़ी जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता बैंक के पास गिरवी है। हाइपोथिकेशन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, तो अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, बैंक गाड़ी लेकर जा सकता है, उसको सेल करेगा और अपना लोन क्लियर कर लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है ये जरूरी है, तो जरूरी कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, ना माने तो उनकी शिकायत कर दीजिए। दूसरा फिर रहेगा एडवांस ईएमआई, बहुत लोग फंसते हैं इसके चक्कर में, और ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक करते हैं ताकि उनका जो ईएमआई है ना वो सरकारी बैंक को जैसी ही दिखे, क्योंकि सरकारी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। इसका खेल किस तरीके से चलेगा, आपका लोन मान लीजिए 5 लाख रुपए का अप्रूव हो गया है, बैंक बोलेगा इसमें ना एक एडवांस ईएमआई आप दे देना, मतलब आपकी कट जाएगी और आपको ईएमआई भी कम हो जाएंगी, आपकी आने वाली मान लीजिए आपकी 60 ईएमआई बननी है 5 साल के लिए, तो आपकी 59 जो है ईएमआई हो जाएंगी, एक एडवांस ईएमआई आपने दे दी है, और देखिए आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी ईएमआई भी मतलब कम बन रही है। वो किस तरीके से होता है, आपने लोन लिया 5 लाख रुपए का, 10,000 रुपए की मान लेते हैं आपकी ईएमआई बननी, तो उन्होंने 10,000 रुपए पहले ही काट दिए हैं आपको लोन देने से पहले, गाड़ी वालों के पास मतलब शोरूम के पास जाएंगे 4,90,000 रुपए। अब 4,90,000 रुपए एक किस्म से मान लीजिए आपका लोन है, उसकी ईएमआई कैलकुलेट करेंगे तो कम ही आएगी यार, एक तो 5 लाख का लोन है, एक 4,90,000 का लोन है, तो उसकी ईएमआई तो कम ही दिखेंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपकी डाउन पेमेंट बढ़ गई है, आप जो पहले 2 लाख रुपए देने वाले थे डाउन पेमेंट में मान लेते हैं हम, तो आपको 2,10,000 रुपए देने हैं। हम खुश किस वजह से हो जाते हैं, अब एक और चीज है, खुश किस वजह से हो जाएंगे, एक तो हमारी ईएमआई कम होगी, एक तो यार चलो शुरू ठीक है अपने सिर से पहले ही टल गई है, दूसरा जब आप कैलकुलेट करेंगे ना सरकारी बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ जो आपसे एडवांस ईएमआई नहीं ले रहा है, उसके मुकाबले आपको ईएमआई के पैसे कम दिखेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर कम पैसे की ईएमआई देनी पड़ रही है, तो ये एक और चीज है जो चलती है। एडवांस ईएमआई आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान है, आप सिंपल शब्दों में ये समझ लिया जाए। अगर कोई बोलता है कि आपको एडवांस ईएमआई आप दे दीजिए, तो आप कैंसिल कीजिए, नहीं एडवांस नहीं देनी मेरे को, आप इसको बाद के लिए ही चला कर रखिए, और तब बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी बहुत बड़ा घोटाला चलता है। तीसरा फिर आ जाता है प्रोसेसिंग फीस, 0 से 2% तक आपके पूरे लोन की प्रोसेसिंग फीस आप पर लग जाती है। कुछ बैंक होते हैं 8% पे मान लेते हैं आपको लोन दे रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस है 0, कुछ बैंक आपको 7.5% पर दे रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग फीस है 2%। स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, आप कितने परसेंट पे दे रहे हैं, 7.5% पे, वेरी गुड यार, आप कितने पे दे रहे हैं, 8% पे, यार आपका तो महंगा है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है, वहां पर आपने 7.5% पर ले लिया 5 लाख का, वहां पर 8% पे ले लिया, अब 7.5% पर 5 लाख में आपको 2% जो है प्रोसेसिंग फीस देनी है, मतलब 10,000 रुपए, और वहां पर आपको कितना देना है, कुछ भी नहीं। अब वो जो 0.5% आपने बचाया है ना, वो 2-3-4 हजार रुपए होता है पूरे टेन्योर का, जितने मतलब 5 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो 3-4 हजार रुपए आपने बचाए, लेकिन स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। तो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी ध्यान देना है, कितना आपको लोन मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, वो सब आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो सब कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता लगेगा कौन सा बैंक आपको सस्ता दे रहा है, कौन सा बैंक आपको महंगा दे रहा है, इस चीज पर भी आपको ध्यान जरूर देना है। फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जहां पर बहुत सारे लोग फंसते हैं, बाद में झगड़ते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं आता है, एक मोटी बुकलेट आती है जिस पर वो आपके साइन करा लेते हैं, लोन अमाउंट तो उसमें भर देते हैं वो, चलिए आपको दिखाने के लिए, अब आपने उन्होंने पेज पलटते, वो आपको पेज पलटते रहेंगे, आप साइन जो है करते रहेंगे, इसमें ईएमआई कितनी है वो नहीं भरी जाती, इंटरेस्ट रेट कितना है वो नहीं भरा जाता है, कितने टाइम के लिए है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, एडवांस ईएमआई है नहीं है, वो कुछ भी नहीं भरा जाता है, आपके साइन हो गए हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं, आप 9% पर माने हैं वो 9.5% लिख देते हैं, आपने 5 साल का टेन्योर किया है उन्होंने 5.5 साल का उसमें लिख दिया है, आपने एडवांस ईएमआई के लिए नहीं बोला था उन्होंने एडवांस ईएमआई भी कर दी है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते 20 से 25 हजार रुपए आपके ऐसे चले जाते हैं, फिर बाद में आप लड़ते रहिए, वो कहेंगे नहीं सर आपने इतने पे साइन कर रखा है, अपनी तो इतने की बात हुई थी, आप बोलेंगे नहीं इतने की बात हुई थी, आखिर में माना क्या जाएगा जो लिखित में है। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले जैसे ही वो आए आपको अपने हाथ में वो कॉपी लेनी है, ये नहीं अपने सामने नहीं लिखवाना है, खुद लिखना है, उसका भी रीजन है, क्या वो मैं बताऊंगा। आप बोल दीजिए लोन कितने का, 5 लाख का, खुद लिखना आपको 5 लाख,
इसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी उनसे पूछकर खुद आपको भरना है, ईएमआई कितने रुपए की रहेगी, टेन्योर कितने कितने महीने के लिए आपने बनवाई है, सब कुछ आपको अपने आप से लिखना। और जितने भी पेजेस पर है ना, आप उनको बोल दीजिए जहां पर ये लिखना है वो सब मेरे को बता दीजिए, मैं अपने हाथ से लिख दूंगा। साइन आपको करते चले जाना है। इसका फायदा क्या है अपने हाथ से लिखने का, बाई चांस कहीं पर जानबूझकर वो छुड़वा भी देते हैं या भूल चूक की वजह से वो रह भी जाता है, तो वो खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो राइटिंग जो है ना वो मिसमैच हो जाएगी। आपने अपने हाथ से लिखा है तो वहां पर भी आपके हाथ से ही होना चाहिए। कल को अगर बातचीत होती है तो आप बोल सकते हैं ये राइटिंग मेरी नहीं है। तो इस चीज के चक्कर में ना बहुत लोग फंसते हैं, यहाँ पर कुछ भी अपनापन नहीं है, कुछ भी पराया नहीं है, आपके पैसे आपको ये चीज भरनी ही पड़ेगी, तब आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। लोन वैसे तो बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, अलग अलग वीडियोज इस पर लाते रहेंगे, एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो जाती है, लेकिन ये कुछ मेन चीजें हैं आपको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी इस टाइप के और वीडियोज के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।